बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, माय नेम इज हामिद अली एंड आई एम लेक्चरर एट किंग्सवे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज शेरगढ़। दिस इज द स्टार्ट ऑफ योर माइक्रोबायोलॉजी कोर्स एंड इन दिस फर्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी एवरीथिंग अबाउट माइक्रोबायोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी एंड स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ये आपका माइक्रोबायोलॉजी का पहला लेक्चर है। इसमें हम जो चीज़ें पढ़ेंगे वो पहले माइक्रोबायोलॉजी को डिफाइन करेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी होती क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी में कौन कौन से मेंबर्स आते हैं और माइक्रोबायोलॉजी में क्या क्या इंक्लूड होता है। उसके बाद हम माइक्रोबायोलॉजी के ब्रांचेस पढ़ेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी को किस चीज़ में डिवाइड किया जाता है, कौन कौन से ब्रांचेज में। और आखिर में हम स्कोप पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी का, इसके प्रैक्टिकल यूजेस क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। Microbiology is defined as a study of organisms and agents that are too small to be seen clearly by the unaided eye. Microbiology में हम क्या पढ़ते हैं? Microbiology में हम उन organisms के बारे में पढ़ते हैं जो कि जानदार चीज़ें होती हैं, जो कि इतनी small होती हैं कि हमें अपनी आँख से नज़र नहीं आती, उसे हम microbiology में देख पढ़ते हैं। और उन्हें हम इसलिए उन्हें हम जो चीज़ यूज़ करते हैं उन्हें देखने के लिए हमें ज़्यादातर माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। To be more simple, microbiology is a study of microorganisms which are the living organisms of microscopic size. इसमें हम वो हर microorganisms के बारे में पढ़ेंगे जो कि इतने छोटे होते हैं कि microscopic size में होते हैं। Microorganisms are the living organisms that are less than 1 millimeter in diameter, which cannot be seen by our naked eye. हमारी आंख जो होती है वो 1 मिलीमीटर तक देख सकती है, उसके नीचे हमारी आंख नहीं देख सकती। तो उसके लिए हम माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं और वो जो ऑर्गेनिज्म हम देखते हैं उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स कैन बी व्यू थ्रू द माइक्रोस्कोप एंड दे कैन एग्जिस्ट एज ए सिंगल सेल्स और क्लस्टर्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स इंक्लूड सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स लाइक बैक्टीरिया, फंजाई, एल्जी एंड प्रोटोजोआ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स जो है हमारे पास होते हैं, ये हमारे पास सिंगल सेल भी हो सकते हैं, एक सेल से बना होता है इस तरह कोई बैक्टीरिया हो गया, और कुछ बैक्टीरिया जो है वो मल्टीपल होते हैं, 2, 3, 4, 10 इस तरह, तो वो क्लस्टर में होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमारे पास जो आते हैं वो बैक्टीरिया आ गया, फंजाई आ गया। बैक्टीरिया सिंगल भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं। फंजाई जो है वो मल्टी सेलुलर होते हैं, क्लस्टर में होते हैं। एलजी हो गया, प्रोटोजोआ। इसके अलावा हमारे पास वायरस को भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इंक्लूड करते हैं, हालांकि वो ए सेलुलर हैं, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सेल की तरह नहीं होती, लेकिन फिर भी हम उसे माइक्रोबायोलॉजी में इंक्लूड करते हैं। Microbiology from Greek micros and bios means life and logia means scientific study of microorganisms. इसमें हम जो होते हैं माइक्रो का मतलब स्मॉल होता है, लॉजी मीन्स स्टडी होता है, बायो का मतलब लाइफ। ऐसे स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो जानदार होते हैं उसकी स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। माइक्रोबायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड क्लासेस एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें हम वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, उसका फंक्शन क्या, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमारे नेचर में जो सराउंडिंग में है उसका फंक्शन क्या है, उसके क्या क्या क्लासेस हैं, और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस यानी उसको हम क्या किस चीज़ में यूज़ किया जाता है। जिस तरह हम दही बनाने के लिए, योगर्ट बनाने के लिए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को यूज़ करते हैं, इस तरह कुछ और होते हैं उसके लिए हमारे पास प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती हैं। माइक्रोबायोलॉजी इज़ वन ऑफ द एक्साइटिंग एवर डेवलपिंग फील्ड ऑफ साइंस विद ग्रेटर स्कोप्स एज माइक्रोब्स प्ले मेजर रोल इन आवर डेली डे टू डे लाइफ। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें जो चाहिए, क्योंकि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं, तो वो भी हमें पता लगाना होगा कि वो किस तरह के डिजीज़ कॉज करते हैं। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो जिसका रोल होता है बेनिफिशियल रोल होता है, और वो हमारे लिए अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वो हमारे लिए कुछ फूड प्रोसेसिंग में हमारे पास रोल होता है, इस तरह कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें बनाने के लिए यूज़ होता है। अब आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स में भी यूनिसेलुलर, जिस तरह हमने पहले बात की, एक सेल भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर यानी कॉलोनी में भी हो सकते हैं, और ए सेलुलर होते हैं, और ए सेलुलर भी हो सकते हैं जो वायरसेस होते हैं। माइक्रोबायोलॉजी हमारे पास डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स क्लासेस होती हैं, उसी बेस पे इसको डिवीजन दी है। जिस तरह माइक्रोबायोलॉजी इनकम्पेस न्यूमरस सब डिसिप्लिन्स इंक्लूडिंग, कौन कौन सी डिसिप्लिन्स होते हैं, जो माइक्रोबायोलॉजी का वो हिस्सा जिसमें हम वायरस के बारे में पढ़ते हैं उसे वायरोलॉजी कहते हैं। बैक्टीरिया के बारे में जो पढ़ते हैं वो बैक्टीरियोलॉजी होता है। प्रोटिस्ट के बारे में जो पढ़ते हैं उसे प्रोटिस्टोलॉजी कहते हैं। फंजाई के बारे में होता है माइकोलॉजी हो गया। और जो इम्यून सिस्टम के बारे में हम रोते हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम भी वो एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी एक माइक्रो लेवल पर होता है, क्योंकि वो माइक्रोस्कोप से हम देखते हैं जो बी सेल्स होते हैं, टी सेल्स होते हैं, जो ह्यूमन सेल्स होते हैं वो भी माइक्रो लेवल पर होते हैं। और पैरासाइटोलॉजी में हम पैरासाइट्स पढ़ते हैं। मेंबर्स ऑफ माइक्रोबियल वर्ल्ड। हमारे पास माइक्रोबियल वर्ल्ड
दो मेन क्लासेस में डिवाइड हुआ। और तो हमारे पास जिस हमने पहले पढ़ा पैरासिटोलॉजी हो गया, बैक्टीरियोलॉजी हो गया, वायरोलॉजी हो गया, लेकिन इनको भी दो मेन क्लासेस में डिवाइड किया जाता है माइक्रोबियल वर्ल्ड को। एक होते हैं प्रोक्रियोटिक होते हैं और एक यूकेरियोटिक्स होते हैं। प्रोक्रियोटिक्स कौन से होते हैं? प्रोक्रियोटिक्स वो होते हैं जो बिल्कुल बेसिक टाइप सेल होता है, उसमें सेल सेल बाउंडेड ऑर्गेनिज्म नहीं होते, कुछ ऑर्गेनिज्म उसमें मिसिंग होते हैं। और भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म मिसिंग होते हैं। प्रोक्रियोट्स आर ऑर्गेनिजम्स विद प्राइमोर्डियल न्यूक्लियस। इसका जो न्यूक्लियस होता है प्रोक्रियोट्स में वो सिंपल सा होता है, उसमें कोई डबल लेयर नहीं होती, और वो मतलब सेल के अंदर होता है लेकिन उसके ऊपर कोई लेयर नहीं होती। दे हैव मच सिंपलर मॉर्फोलॉजी देन यूकेरियोटिक्स एंड लैक ट्रू मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनिज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोजी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो यूकेरियोट से बहुत सिंपल होता है। किस तरह सिंपल होता है कि उसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिज नहीं होती। जिस तरह हमारे पास ऑर्गेनिज होती हैं मुख्तलिफ न्यूक्लियस न्यूक्लियस में राइबोसोम्स, तो यूकेरियोट्स में मेम्ब्रेन उसके ऊपर मेम्ब्रेन होती है लेकिन प्रोकेरियोट्स में नहीं होती। इस तरह कुछ ऑर्गेनिज होते हैं वो प्रोकेरियोट्स में मौजूद नहीं होते। कौन कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके एग्जांपल्स क्या हैं प्रोकेरियोट के? उसमें बैक्टीरिया आते हैं और यूके आर्की आती है। ये प्रोकेरियोट्स की बेसिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इसमें प्रोकेरियोट सेल में इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा यूकेरियोट जो होते हैं उसमें हमारे जिस तरह हमने पढ़ा इसमें मेम्ब्रेन इंक्लोज न्यूक्लियस होता है और सेल ऑर्गेनिज भी मौजूद होते हैं जो प्रोकेरियोट्स में नहीं होते, जिस तरह राइबोस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, ये चीज़ें। दे आर मोर कम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजिकली एंड यूजली लार्जर देन प्रोक्रियोट्स। ये कम्प्लेक्स होते हैं और ये प्रोक्रियोट से बिगर होते हैं। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं यूक्रियोट, ज़्यादातर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूक्रियोट्स होते हैं, जिस तरह एलजी हो गया, फंजाई हो गया, प्रोटोजोवा हो गया, और हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स आर यूक्रियोटिक। लेकिन हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, क्योंकि वो हमारी आंख से हम उसे देख सकते हैं। ये है हमारे पास कुछ ब्रांचेस माइक्रोबायोलॉजी की, जो बैक्टीरियोलॉजी इसमें हम बैक्टीरिया पढ़ते हैं, माइकोलॉजी में हम फंजाई के बारे में पढ़ते हैं, प्रोटोजोलॉजी के बाद हम पढ़ते हैं प्रोटोजोवा के बारे में, फाइकोलॉजी जो होती है या एल्गोलॉजी एल्जोलॉजी जो है वो होती है हमारे पास एल्जी के बारे में, पैरासाइटोलॉजी पैरासाइट्स के बारे में, इम्यूनोलॉजी इम्यून सिस्टम के बारे में, वायरोलॉजी हम पढ़ते हैं वायरसेस के बारे में, और नीमाटोलॉजी के बाद नीमाटोड्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारी बॉडी में। अब हम पढ़ते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्कोप क्या है। स्कोप का मतलब होता है कि हम माइक्रोबायोलॉजी को कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं और इसका हम इसे क्यों पढ़ते हैं, इसका क्या हमें फ़ायदा मिलता है, उसे हम कहते हैं स्कोप। दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन फील्ड ऑफ मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री दैट अश्योर्स ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रो तो इसका हम इसे इसलिए पढ़ते हैं कि इसके मुख्तलिफ मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में इसका एक रोल होता है। तो अगर हम इसे बेनिफिशियल इफेक्ट बेनिफिशियल मेडिसिन में क्या रोल होता है कि हम कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमें बीमार करते हैं तो हम उसके बेस पे हम मेडिसिन बनाते हैं। एग्रीकल्चर में उसका रोल होता है कि वो सॉइल को फर्टाइल करता है, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे इस क्रॉप को डिस्ट्रॉय करते हैं। इस तरह इंडस्ट्री में भी कुछ फूड जो होते हैं, योगर्ट बनाना, चीज़ बनाना, उसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम इसे पढ़ते हैं। इसको हम सिक्स मेजर स्कोप में डिवाइड करते हैं। सिक्स मेजर एरियाज हैं हमारी दुनिया में जहाँ पर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं। वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है हमारे पास एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में माइक्रोबायोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होता है। क्यों? क्योंकि जो हम सॉइल से जो प्लांट्स, जो सॉइल में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसे रिसाइकल करता है, डील्स विद द सॉइल न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग बाय माइक्रो। सॉइल अभी प्लांट्स ग्रो करते हैं तो वो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, तो वो न्यूट्रिएंट्स को जब प्लांट्स डेड हो जाते हैं तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस पर एक्ट करते हैं और वो न्यूट्रिएंट्स दोबारा सॉइल में ऐड करते हैं। किस तरह? ये डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट को, जो प्लांट्स एंड एनिमल जो मरते हैं उसे डिकम्पोज करते हैं, वापस उस सॉइल को जरखेज बनाते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरी मेन एरिया है जहाँ पर हम माइक्रोबायोलॉजी का यूज़ करते हैं वो फूड माइक्रोबायोलॉजी है, जो फूड में यूज़ होता है। इसमें क्या होता है? इसमें हम वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर पढ़ते हैं जो कि हमारे फूड को ख़राब करता है, क्योंकि हमें उसे कंट्रोल करना होगा। इस तरह इसके अलावा हम उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी पढ़ते हैं जो कि हमारे लिए फूड प्रिपरेशन में उसका रोल होता है, जिस तरह हम योगर्ट चीज़ बनाते हैं, और इस तरह वो अल्कोहल्स में भी इसका रोल होता है। अब दूसरी जगह पर जो इसका स्कोप है वो है इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? उसमें हम इंडस्ट्री में हम जो है एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, एंजाइम्स बनाते हैं, अल्कोहल बेवरेज बनाते हैं, और फूड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो फर्मेंटेड होते हैं, जिस तरह योगर्ट हो गया, और उसके अलावा जो अल्कोहल्स होते हैं। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी,
यहाँ पर भी माइक्रोबायोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होता है। इसमें हम पढ़ते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि हमारे बॉडी में बीमारियां पैदा करते हैं, डिजीज, और फिर उसके बारे में पढ़ते हैं कि उसको हम डायग्नोज किस तरह करते हैं, यानी उसकी ट्रीटमेंट किस तरह करते हैं, और प्रिवेंटिव डायग्नोज पता किस तरह लगते हैं कि ये कौन कौन किस टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और उसको कंट्रोल किस तरह करते हैं, यानी उसको मारते किस तरह हैं या कंट्रोल करते हैं हमारी बॉडी में, उसी उसी बेस पे हम उसका ड्रग्स बनाते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक्वेटिक माइक्रोबायोलॉजी, इसमें हम पढ़ते हैं एक्वेटिक, सारे एक्वेटिक का मतलब होता है पानी, जो समंदर का होता है। इसमें हम पढ़ते हैं वाटर प्योरिफिकेशन एंड बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन ऑफ वेस्ट, जो माइक्रो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे समंदर में होते हैं, वो वाटर को प्योरीफाई करते हैं, गंस को साफ करते हैं, एंड बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन ऑफ वेस्ट इन एक्वेटिक इकोसिस्टम्स बाय माइक्रोब्स, और इस तरह जो पानी में जो मरते हैं मछलियाँ उसको भी रिसाइकल करता है, उसको भी मतलब ख़त्म करके पानी को साफ करता है इस तरह। उसके अलावा हमारे पास एरो माइक्रोबायोलॉजी है, उसमें हम वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं जो कि हमारे एयर में होते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं या फायदा पहुंचाते हैं। कुछ होते हैं जो हम एयर से इनहेल करते हैं और हमें बीमारियां पैदा करते हैं, कुछ कुछ होते हैं जो जो हमें बेनिफिशियल इफेक्ट भी देते हैं। सो ये थी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।